सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियां बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी का इंसान तलाश करेंगे तो अकेले ही रह जाएंगे। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है, प्रयास करते रहिए। तुम लाख बार कोशिश करोगे तब जाके कहीं एक बार मंजिल मिलेगी। दिमाग में जब सपने रहते हैं तो दुनिया की बातें नहीं रहती। आज का पंचांग 23 जुलाई 2023 दिन रविवार, सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, सुबह 11:45 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र शाम 7:57 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:25 से 7:05 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:59 से 12:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। मिथुन राशि 23 जुलाई 2023 दिन रविवार, आज आपका ध्यान भौतिक चीजों पर है। आपके कपड़े आभूषण सभी फैशन और रचनात्मकता से आपके प्यार को दर्शाते हैं। जीवन में जो भी मिले उसका पूरा मजा लें, जैसे अच्छी कंपनी, अच्छा भोजन। आप अभी दोस्तों और प्रतिभाओं में समृद्ध महसूस कर रहे हैं। आज वातावरण में उत्साह और उत्साह के दफ्तर और अन्य मामलों को पीछे रखकर परिवार के मामलों में अपना ध्यान केंद्रित करें। कुछ लोग नया घर या नई संपत्ति खरीदने की योजना बना सकते हैं। इनमें अपने प्रियजनों की सलाह जरूर लें। इंसान अगर ठान ले तो असंभव कुछ भी नहीं है। असंभव शब्द का इस्तेमाल कायर करते हैं। पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या से आज राहत मिल जाएगी। मानसिक सुकून और ऊर्जा बनाए रखने के लिए कुछ समय मन मुताबिक रचनात्मक कार्यों में भी जरूर लगाएं। ऑनलाइन शॉपिंग और मस्ती भरी क्रियाकलापों में भी समय व्यतीत होगा। हर एक काम में संयम रखें। कोई निर्णय को लेने से पहले सोच विचार करके आगे बढ़ें। दूसरों की बातों पर ध्यान करके निर्णय ना लें। दूसरों की बातों पर विचार करके निर्णय ना लें। जिस काम के लिए आप गहराई से विचार करते हैं उससे जुड़े लोगों के साथ चर्चा करके आगे बढ़ें। डर निकालकर आगे बढ़ते रहें, आपको सफलता मिल सकती है। करियर संबंधी चिंता को दूर करने के लिए परिचित व्यक्ति से मदद मिल सकती है। लव रिलेशनशिप में बदलाव आएगा। निर्णय कठिन लगेगा लेकिन आपके जीवन में सकारात्मकता और स्थिरता मिलेगी। सावधानियां, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर रखना अति आवश्यक है, अन्यथा लापरवाही की वजह से आपका कोई महत्वपूर्ण काम छूट सकता है। कानूनी मामलों को भी समय रहते निपटा लें। बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें और उसका मार्गदर्शन करते रहें। बात करते हैं लव लाइफ की। अपने साथी को खुश रखें ताकि आपके प्यार की बगिया और भी महके। बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय ना लें और एक दूसरे पर भरोसा करें, ताकि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए लेकिन आपका बंधन अटूट रहे। अगर आप अपने साथी को खुश रखते हैं तो आप खुद को प्रसन्न करते हैं। आज आप अन्य मामलों की तुलना में अपने परिवार पर अधिक ध्यान देंगे। आपका दिन मस्ती में बीतेगा और आप अपने आप को खुशकिस्मत महसूस करेंगे। ध्यान रखें कि पैसों को प्यार से ज्यादा महत्व ना दें, क्योंकि प्यार पूरी उम्र साथ रहता है, पैसा नहीं। बात करते हैं करियर की। कला आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, जिससे आप न केवल अपना करियर बना सकते हैं बल्कि आपको अलग पहचान भी मिलेगी। किसी यात्रा की योजना का रद्द होना आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। हमेशा अपने सपनों का अनुसरण करें, सफलता आपकी ही होगी। अपने पेशेवर वातावरण के साथ साथ चीजों को आसान बनाने के लिए यह समय बेहतरीन है। आपकी नीतियां और रणनीतियों की अत्यधिक सराहना की जा रही है, इससे आपकी प्रतिष्ठा और स्थिति दोनों में सुधार होगा। आज आर्थिक लाभ की भी संभावना है।
आज जो विकल्प आपके पास है वो आपके लिए बेहद लाभदायक है। बात करती है सेहत की। खान पान के प्रति लापरवाही की वजह से गैस की परेशानी दिक्कत दे सकती है। हल्का और सुपाच्य भोजन ले तथा व्यवस्थित दिनचर्या भी रखें। कईयों को पेट संबंधित इन्फेक्शन हो सकता है, ध्यान रखें। आज का उपाय, सूर्य दोष हो तो गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांधकर दान करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।